The second important principle is deontological ethics. Deontological ethics uh, is associated with the idea that human beings should be treated with dignity and respect because they have rights. This is kind of a positive principle and it has a lot of positive implications as well The human subjects dignity respect. Core concept is that, that there are objective obligations. और ड्यूटीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल द पीपल टू डू वेन दे फेस एन एथिकल सिचुएशन जिसमें यह समझ नहीं आ रहा होता कि उनको अपनी किस ड्यूटी को पूरी तरह परफॉर्म करना है और किस ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है वेयर यू नो डिसीजन मेकिंग कम्स तो ये एक क्रूशल सिचुएशन बन जाती है डेट मे गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस देर इज़ अ मैनेजर हु ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच टू हिज ड्यूटी ऑन टाइम और वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अगर उसने नाइन ओ क्लाक पहुँचना है तो वो हमेशा नाइन ओ क्लाक पहुँचता है इन समर्कम सिचुएशन जिसके अंदर ट्रैफिक जो है उस पर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज uh, है बहुत ज्यादा जो है वो रफ़ ट्रैफिक चल रहा है तो वो उसको टाइम पर पहुंचना नाइन ओ क्लाक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आयदर ही इज़ गोइंग टू ब्रीच द ट्रैफिक रूल्स एंड ही विल रीच देयर ऑन टाइम क्योंकि उसका एक प्रिंसिपल है उसकी एक एथिकल ड्यूटी है दैट ही शुड भी देर ऑन टाइम और आयदर ही इज गोइंग टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड इन विच सिचुएशन ही कैन रीच द ट्रैफिक रूल जबकि सिर्फ ट्रैफिक रूल हमारे यहाँ एमरजेंसी में एम्बुलेंस पर अप्लाई नहीं होते तो इस सिचुएशन के अंदर डिनोटोलॉजिकल एथिक्स जो हैं ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करती हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि किस सिचुएशन में हमें अपनी किस ड्यूटी को पूरी तरह फुलफिल करना है और किस ड्यूटी को हम रीच कर सकते हैं जैसे हम लोग कॉन्फिडेंशलिटी के राइट्स की बात करते हैं तो उस पर अगर हम इस प्रिंसिपल ऑफ डिनोटोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड जैसे अगर एक साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स रखने वाला इंडिविजुअल है वो अपनी फैमिली में बता रहा है कि आई एम गोइंग टू किल समवन आई एम गोइंग टू बिहेड समवन आई एम गोइंग टू डू सम डिजास्टर इन द स्टेट तो क्या उसकी कॉन्फिडेंशालिटी को मैंटेन रखना ज़रूरी है वो अगर किसी कंसल्टेंट के पास जाता है किसी काउंसलर के पास जाता है किसी साइको के पास जाता है और ट्रीटमेंट लेने के बाद आ, अपनी इस तरह की जो उसकी इंटेंशंस है वो बताता है तो क्या वहाँ पर कॉन्फिडेंशलिटी का राइट right इंपॉर्टेंट है या वहाँ पर एक स्टेट की वेलफेयर का एक ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने का रूल ज़्यादा इम्पॉटेंट होगा सो इन समचुएशन वी नो वी नो दैट कॉन्फिडेंशलिटी कुड बी ब्रीच्ड एज़ वेल इसी तरह हमें माइनॉरिटी uh, के जहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं माइनॉरिटी के इशूज़ होते हैं उनकी वेलफेयर और उनकी स्टेक के लिए भी बाज़ात इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं दिस इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड The deontological class of ethical theory state that people should adhere to their obligations and duties when engaged in decision making when ethics are in play. So this is important कि हम ethical principles को देखें लेकिन side by side जो हम uh, ethical uh, theory जो है apply कर रहे हैं उससे जो हमारे decisions सामने आ रहे हैं उनकी implications को समझना भी बहुत जरूरी है. For instance, it is very important for a doctor. टू डू हिस प्रैक्टिस एथिकली लेकिन उसके बीच में अगर लेट्स कि uh, वो ख़ुद किसी डिजीज़ की वजह से एक्सपोज हो जाता है किसी वायरस से वो एक्सपोज हो जाता है तो उस सरकम स्टांसिस में उसको अपनी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करनी लाइक like अगर uh, एक कोविड स्पेशलिस्ट है जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे रहा है लेकिन उससे खुद कोविड हो जाता है तो उसके बाद वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं देगा क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू क्वारंटीन हमसेल्फ़ So, in this situation, this is very important to understand the individual set of duties. Let's limitations? The limitations of the denotology contains many positive attributes as well, and uh, it contains flaws as well. For instance, the main challenges uh, which come to a researcher is perspective. What situation mein hum usko imply? Perspective, connotation, context, is important in decision making. Karte vakt, कौन सा रूल जो है वो अप्लाई करेंगे फर्स्ट इज एन दर्ग्यूमेंट रैशनल ऑन लॉजिकल बेसिस अबाउट द प्रिंसिपल प्रिपल इन डिसीजन मेकिंग अबाउट इंडिविजुअल ड्यूटीज जैसे मैंने अभी आपको एक डॉक्टर की एग्जाम्पल दी है सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू इज समाइम्स अ पर्सन ड्यूटीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टीज चैलेंजेस आर डेफिनेटली डिफाइंड बाय द दैट इट शुड बी कंसिडर्ड वेन रिलाइंग ऑन दिस एज एन एथिकल सिस्टम यानी आप उन ड्यूटीज में से उन चॉइसेस में से एथिकल प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए अपने लिए एक अच्छा और बेहतर फैसला ले सकते हैं थर्ड इज़ दैट दैट इम्प्लिकेशन ऑफ द मेकिंग अ राइट चॉइस दैट हैज़ बैड कॉन्सिक्वेंस सम रिसर्चर अपनी तरफ से चूज करता है कि वो जो भी डिसीजन ले रहा है वो उसकी राइट right चॉइस है लेकिन उसकी कंपिटेंसी ना होने की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना होने की वजह से उसके बैड कॉन्सिक्वेंसिस सामने आ जाते हैं सो दिस देर इज अनदर थिंग कि आप जो भी थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉलो कर रहे हैं उससे आप वेल इक्विप्ड हों से आप वेल नॉलेज हों और आपको पता हो कि किस सिचुएशन में हमने uh, कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यूज़ करना है ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक रिसर्चर एक रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करता है तो वो ये देखता है कि किस सिचुएशन में मुझे अपनी सैम्पलिंग कैसे करनी है अपना रिसर्च डिज़ाइन कैसे लेना है वैसे ही एथिकल प्रिंसिपल्स में से किस एथिकल थेरी को हमने फॉलो करना है ये भी उतना ही क्रूशल डिसीजन है हाउ एवर डिस्पाइट दिस कंसर्नस मैनीव फाउंड दैट डिनोनोटोजिकल हैज़ स्ट्रॉगेस्ट मॉडल फॉर अप्लाइड इन पब्लिक रिलेशन सेक्टर बिकॉज इट इज़ गिंग वेलफेयर एंड इट इज गिविंग यू नो पॉजिटिव बेनीफिट टू द लार्जर कम्यूनिटी तो इसलिए पब्लिक रिलेशन में इसको एक अच्छी थोरेटिकल ऑप्शन के तौर पर कंसिडर किया जाता है मे बी किसी बिजनेस मॉडल में हम देखें तो ये एक फ्लॉप थे रही हो लेकिन अगर हम इसको पब्लिक सर्विस के परफॉर्मेंस में देखते हैं तो ये एक अच्छी थेरी हो सकती है अ की थाट इन दिस कॉन्सेप्ट इज द असम्पशन दैट दीज नीड टू बी सम ऑब्जेक्टिव मॉरल दैट प्रोफेशनल रिलाई ऑन इन ऑर्डर टू डिटर्मिन एथिकल बिहेवियर्स सो बेसिकली द द नीड द सिचुएशन इन विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट रिसर्च दैट रियली रियली वेरी क्रूशल टू डिसीजन मेकिंग वही चीज़ जो शायद एक बिजनेस मॉडल के अंदर एथिकल हो हो सकता है वो एक सोशल वेलफेयर के परस्पेक्टिव uh, में हमें लगे कि ये इतनी ज़्यादा एथिकल नहीं है सो so, uh, इसके बेसिस के ऊपर कंपिटेंट लोगों को डिसीजन लेना uh, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से वो अपनी एथिकल थेरीज़ जो फॉलो करें हैं उनके बेटर रिजल्ट्स गेज कर सकते हैं